हेलो स्टूडेंट, अकाउंट्स में अब हम लोग जो है आज से जर्नल एंट्री बनाना स्टार्ट करते हैं। कल हमने सीखा था डेबिट क्रेडिट के रूल्स कि अकाउंट्स कितने होते हैं। तीन अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब उनके अलग अलग रूल होते हैं डेबिट क्रेडिट के। अब उसको हम ले करके जर्नल एंट्री आज हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा होता है क्या, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर अकाउंट एंड क्रेडिट द गिवर अकाउंट, ठीक है। और रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो अब हम लोग उस रूल को अप्लाई करते हैं और एक जर्नल एंट्री हम लोग जो ट्रांजेक्शन इवेंट्स हैं उसको हम लोग एक जनरलाइज करते हैं, ठीक है। तो जनरलाइज करने से पहले मैं आपको फॉर्मेट बताना चाहता हूँ। जनरल एंट्री बनाने के लिए ये हमारा 5 कॉलम का जो है फॉर्मेट होता है, 1, 2, 3, 4, 5। तो फर्स्ट हमारा होता है डेट का कॉलम, जिसमें हम लोग डेट वाइज एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, मंथ डेट इसमें रिकॉर्ड करते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपको जनवरी फर्स्ट इस तरीके से 2016, ठीक है। तो ऐसे ऊपर भी लिख सकते हैं 2016 जनवरी लिख करके। ये पर्टिकुलर है जिसमें हम लोग उसको डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में लिखेंगे। और ये हमारा लेजर फोलियो, किस लेजर फोलियो पे इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसको जब ट्रांसफ़र करते हैं, जब लेजर में जब हम लोग पोस्टिंग करते हैं तब वहाँ पे एंट्री करते हैं। और ये हो गया हमारा डेबिट और अमाउंट रुपीज़ और क्रेडिट, ठीक है। तो ये हमारा कॉलम होता है, इसी कॉलम के अनुसार हम लोग को जर्नल एंट्री बनाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग पहला एंट्री लेते हैं कि पहला हमारा एंट्री है, मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जर्नल एंट्री ऑफ मोहन, ठीक है, कि मोहन का हम लोग जर्नल एंट्री बना रहे हैं। उनके जो भी बिजनेस होगा, तो मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब कल मैंने आपको बताया था कि जो बिजनेस एंटिटी होता है वो सेपरेट लीगल एंटिटी, और जिससे प्रोप्राइटर हमारा कौन है, मोहन है, और जो बिजनेस है दोनों क्या है, डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इनमें दोनों को सेपरेट है। सपोज करिए कि मोहन ने कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करके बिजनेस स्टार्ट किया। तो सपोज करिए मोहन ने स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो बिजनेस में क्या चीज़ आ रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि बिजनेस में, हम सपोज करिए कि मोहन ने बिजनेस में पैसा दिया, तो और जो अमाउंट है वो कहाँ गया, बिजनेस में गया। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बिजनेस में क्या रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है। तो रूल देखें तो कैश कैश क्या चीज, कैश हमारा क्या है, ये रियल का नेचर है। तो रियल का अगर रूल अप्लाई करें तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, जो चीज़ आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है, ठीक है। और कहाँ से आ रहा है, टू क्रेडिट किसको करेंगे, आ तो रहा है मोहन से, लेकिन मोहन से आ रहा है, लेकिन बिजनेस के लिए क्या है, वो एज ए कैपिटल है। तो कैपिटल बिजनेस में उसने जो लगाया है, उसने कैपिटल ही तो इंट्रोड्यूस किया, 50,000। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है। हाँ, ये इनहेरेंट है कि वो कैपिटल किसका है, फर्म की लाइबिलिटी है, ये बिजनेस की लाइबिलिटी है कि उसको बाद में मोहन को वो पे करेगा। तो इसलिए अब ये हो गया हमारा फर्स्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग अमाउंट लिख देते हैं, अमाउंट डेबिट में लिख देंगे 50,000 और क्रेडिट में लिख देंगे 50,000, ठीक। दोनों अकाउंट ड्यूअल एस्पेक्ट से हमारा क्या है, इक्वल हो गया। अब हम लोग इसको एक नरेशन लिखते हैं यहाँ पे, बीइंग एक छोटा सा विवरण लिख देते हैं कि ये जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसका डिटेलिंग क्या है। डिटेलिंग एक छोटा सा एक नरेशन लिखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं बीइंग से हमेशा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक है। अब हम लोग इसको हमेशा यहाँ पे लाइन हम लोग बना देते हैं। हमारा फर्स्ट केस था इसे हमने फर्स्ट लिख दिया, डेट होगा तो डेट लिखेंगे। तो हमारा ये फर्स्ट जर्नल एंट्री बन गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल देखिए क्या है, कैपिटल अकाउंट किससे रिलेट कर रहा है, पर्सनल अकाउंट से है, ठीक है। कैपिटल किसी न किसी का होगा ना, जो पर्सन होगा,
तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल किसका है, मोहन का कैपिटल है। तो मोहन कैपिटल तो हम लिखेंगे, कैश तो आया मोहन से ही, लेकिन हम इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, बिजनेस के लिए वो क्या है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल है ना, तो वो एज ए कैपिटल हम लोग यहाँ पे हमेशा लिखेंगे इसको। तब हम लोग सेकेंड एंट्री देखते हैं। सेकेंड एंट्री में दो आस्पेक्ट है, देखिए एक तो पर्सनल है और एक पेड टू राम, राम को कुछ पेमेंट किया गया है, ठीक है, पेड टू राम 2000 का। तो 2000 देखिए, ये तो हमारा कैश का आस्पेक्ट हो गया और ये मोहन क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट का हो गया, ठीक है। तो रोमन राम को मैंने पे किया गया, तो डेबिट द रिसीवर, अगर पर्सनल अकाउंट के थ्रू देखें, डेबिट द रिसीवर अकाउंट एंड क्रेडिट द गिवर अकाउंट, ठीक है। तो पहले हम राम को दे रहे हैं, तो रिसीव कर रहा है राम, तो हम लोग यहाँ कर देंगे राम अकाउंट डेबिट। इस रूल के अकॉर्डिंग पर्सनल अकाउंट के थ्रू देखें अगर, तो हमने किसको दिया, राम को दिया, तो राम को अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे, ठीक। अब कैश का रूल देखें अगर, तो कैश के अकॉर्डिंग क्या है, कैश अगर आता है, देखिए कैश अगर डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अगर आया तो हमने डेबिट कर दिया, लेकिन अगर हमने राम को कुछ दिया, कैश दिया 2000, तो कैश तो हमारे पास से चला गया ना, कैश बिजनेस से जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे टू कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट के अकॉर्डिंग कर देंगे। जब उस रूल के अकॉर्डिंग देखें, रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी हमारे पास से जा रहा है, फर्नीचर जा रहा है, कैश जा रहा है, जो भी कुछ हमारे पास से गया और जो कुछ आ रहा हमने डेबिट कर दिया, और जा रहा था हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, कितने से, 2000 से। तो 2000 हम लोग डेबिट में लिख देंगे, यहाँ पे लिख दें, अब यहाँ पे लिख देंगे बीइंग कैश पेड टू राम, ठीक है, हमारा ये सेकंड जर्नल एंट्री हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि थर्ड एंट्री हमारा क्या है, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, ठीक है। अब यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया गया, तो आप एज्यूम करिए कि फर्नीचर जब परचेज करेंगे तो बिजनेस में क्या चीज़ आ रहा है, फर्म के लिए बिजनेस के लिए क्या चीज़ आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी हमारे पास आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है ना, परचेज किया, ठीक है, परचेज तो एक्सचेंज है कि परचेज सेल, लेकिन यहाँ पे क्या परचेज किया है ये देखेंगे हम, परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे हम, यहाँ देखेंगे क्या परचेज किया। आपने सपोज करिए कंप्यूटर परचेज किया, तो अपने अगर आप लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे ना कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर तो आपके घर पे आया, तो या इसीलिए यहाँ पे फर्म में क्या होगा कि फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर डेबिट, इस फर्नीचर रियल है, तो रियल का रूल जब लगाएंगे तो एंट्री बन जाएगी हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब क्या इसके एवज में मैंने दिया, क्या मेरे पास से गया, फर्नीचर आया कैश दिया, तो रियल अकाउंट के थ्रू अगर देखें, यहाँ पे देखें दोनों रियल है, फर्नीचर भी रियल है और कैश भी रियल है, तो यहाँ पे देखें फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और क्या मेरे पास से जा रहा है, फर्नीचर आया बिजनेस में और कैश चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हमारे पास से जा रहा है रूल के अकॉर्डिंग, तो टू कैश अकाउंट, कितने से, 20,000 का फर्नीचर खरीदा है, तो हम लोग 20,000 लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है। ये हमारी जनरल एंट्री हो गई, तो हमारी थर्ड जनरल एंट्री हो गई, ठीक है, फर्नीचर आया और कैश गया, फर्नीचर डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और क्या मेरे पास से गया बिजनेस से, कैश गया, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ जनरल एंट्री देख लेते हैं। फोर्थ जनरल एंट्री हमारा क्या है, पेड सैलरी, ठीक है। तो सैलरी क्या है, फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस, अगर आपने आपको कि, आपने किसी को एज ए एम्प्लॉय अपॉइंट किया होगा, तो उसको आपने कुछ ना कुछ सैलरी तो देंगे ना, तो सैलरी क्या हो जाता है हमारा, एक्सपेंस हो जाता है, और कैश मेरा क्या है, रियल है। तो अगर हम देखें, तो हमने नॉमिनल अकाउंट में रूल सीखा था, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट, तो सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंस है, तो डेबिट कर देंगे उसके रूल के अकॉर्डिंग, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, तो एक्सपेंस के रूप में क्या है, मेरा सैलरी है, लेकिन इसके नाम से लिख देंगे, सैलरी को हमेशा क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट। अब
क्या मेरे पास भी गया, मैंने उसको सैलरी दिया, तो सैलरी के रूप में मैंने उसको क्या दिया, गुड्स दिया, कैश दिया, तो कैश दिया ना, तो कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से क्या निकल के जा रहा है, कैश जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 2000 से इसकी एंट्री कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे इसका छोटा सा नरेशन, बीइंग सैलरी पेड ₹2000। पूरा डिटेल ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती इसमें नरेशन में, क्योंकि जगह कम होता है, तो एक छोटा सा सेंटेंस में बना के हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ हमारा जर्नल एंट्री हो गया। तो ये देखिए, सैलरी हमारा एक्सपेंस था, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमने देखा कि नॉमिनल अकाउंट रूल में मैंने आपको बताया था, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमारा ये सैलरी फर्म के लिए क्या है, किसी को सैलरी दे रहे हैं तो ये एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट कर दिया हमने, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट क्या किया, सैलरी के रूप में क्या गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश दे रहे हैं ना, तो कैश का रूल अगर रहा है रियल का, क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्या मेरे पास से जा रहा है, टू कैश, तो इसलिए टू कैश किया गया। ठीक है, हम लोग फिफ्थ जर्नल एंट्री की तरफ, रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट यानी कि आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है यानी कि कुछ आपकी इनकम हो रही है। इंटरेस्ट क्या है, अगर आपने दिया होता तो आपका एक्सपेंस हो जाता, लेकिन आपको मिल रहा है तो ये क्या हमारा इंटरेस्ट है, इनकम है। क्रेडिट ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, तो ये हमारा इनकम है। तो इंटरेस्ट हमको किस फॉर्म में मिल रहा है, कैश के फॉर्म में मिल रहा है, तो इस कैश का रियल का अगर रूल लगाए हम, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट किससे आ रहा है, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट। अब देखिए ये हमारा इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल लगाएंगे तो क्रेडिट ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट, हमारा इंटरेस्ट इनकम है इसलिए हम लोग इसको क्रेडिट करने जा रहे हैं, इसलिए लिख देंगे हमारा इंटरेस्ट, हम लोग इसका अमाउंट लिख देंगे 1500 का, यहाँ लिख देंगे हम लोग बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमने रूल जो डेबिट क्रेडिट का, देखिए हमने यहाँ पे दो रूल लिया, पर्सनल का दो हमने लिया, एक ये यहाँ पे ले लिया मैंने रियल का, ये हो गया मेरा नॉमिनल का। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल का ये एक नॉर्मल सा जनरल एंट्री है जिसको हमने बनाया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पर्सनल में मोहन स्टार्टेड बिजनेस, तो बिजनेस स्टार्ट किया, तो हमने क्या एंट्री बनाई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो गया। राम को पेड किया, तो राम को मैंने दिया डेबिट द रिसीवर अकाउंट, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू टू कैश हो गया। फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को डेबिट कर दिया, और क्या जा रहा है मेरे पास से कैश, तो रियल के अकॉर्डिंग क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू टू कैश कर दिया। सैलरी पे किया, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करते हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट हमारे इस केस में इनकम है, तो इंटरेस्ट, तो कैश इंटरेस्ट किस रूप में मिलना हमको, कैश के फॉर्म में मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। और किस फॉर्म में मिला है, इंटरेस्ट हमारा इनकम है, तो इंटरेस्ट क्रेडिट ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट, तो इनकम को हमने एज ए इनकम है तो हमने इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जब क्वेश्चन फिनिश होता था, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं टोटल, यहाँ पे लिख देते हैं जो जो भी टोटल होता है हमारा, सपोज करिए इस केस में अगर 50,000 है तो 50,000 ऐसे लिख देते हैं बस, तो ये हमारा टोटल इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे जगह कम है इसलिए पूरा नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ नॉर्मल से जर्नल एंट्री हो गए। अब इसको थोड़ा सा हम और एक्सटेंड करके और इससे और लेवल पे जा करके अच्छे जर्नल एंट्री करेंगे, फिर इसके बाद डिस्काउंट पे जाएंगे कि डिस्काउंट की एंट्री कैसे होती है। तो ठीक है, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। ओके।